ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी धूप छाव आती रहती है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है जिसके चलते उस व्यक्ति का पूरा माइंड अपसेट हो जाता है और जीवन में क्या करना है ये सूझ नहीं पाता, कोई रास्ता नहीं समझ आता। चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, मेहनत का फल उसे पूरा कभी नहीं मिलता और हमेशा पैसों की बर्बादी होती है। घर परिवार में शांति और सुख समृद्धि दूर होती जाती है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होता है और कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी आती है जिससे पैसे की बर्बादी होती है। तो दोस्तों, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए एक छोटा सा लहसुन का प्रयोग टोटके हम आपको बताएंगे, जो घर में से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर परिवार में फिर से सुख समृद्धि बढ़ती है, आय की वृद्धि होती है और धन के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो भी लहसुन बेहद फायदेमंद होती है। ये शरीर की बीमारियों को दूर करके लंबी आयु देती है। रोजाना एक लहसुन सुबह खाली पेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा टलता है। मांसपेशियों का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, लहसुन बेहद फायदेमंद होती है। लेकिन उपवास के दिनों में लहसुन और प्याज खाना वर्जित होता है। क्यों वर्जित होता है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, उपवास के दिनों में लहसुन का सेवन करने से शरीर में तामसी वृद्धि बढ़ती है। ये शरीर में काम जागृत करती है और गुस्सा बढ़ाती है। इसी वजह से लहसुन का सेवन उपवास के दिनों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका गुण तामसी होता है। इसी कारण से कुछ संप्रदायों में लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित होता है। कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति राहु के रक्त से हुई है। जिस प्रकार लोहे को लोहा ही काटता है, जहर को जहर ही नष्ट करता है, उसी प्रकार राहु की नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए लहसुन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तंत्र में लहसुन का बहुत उपयोग होता है। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से एक अमृत कलश भी निकला। भगवान श्री हरि विष्णु ने जब मोहिनी का रूप धारण किया तब देव और दानवों को दोनों को अलग अलग कतार में बैठाया और अमृत कुंभ से सबसे पहले देवों को अमृत पिलाने लगे। उसी वक्त राहु को संदेह हुआ, उसने रूप बदला और देवों की कतार में बैठ गया। इस कारण देवों के साथ साथ राहु ने भी दो बूंदे अमृत की पी ली। उस बात का भगवान नारायण को पता चला तो उसी वक्त सुदर्शन चक्र धारण किया और राहु का मस्तक दर्द से अलग कर दिया। कहा जाता है कि इसके रक्त की कुछ बूंदे धरती पर गिरी। जहाँ ये बूंदे गिरी वहाँ लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से लहसुन और प्याज में बहुत सारे देवी चमत्कारिक शक्तियाँ होती है। इसी कारण से लहसुन का बहुत से तंत्र प्रयोग में प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों पर राहु का नकारात्मक प्रभाव होता है, इन लोगों पर बहुत सारी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आ जाती है। ये मन को भ्रमित कर देता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता, रोजगार छीन लेता है, ऐसी बीमारी देता है जिसका कोई इलाज ही न हो। इसके कारण व्यक्ति कंगाल बन जाता है, गरीबी आती है, संघर्ष बढ़ता है और जीवन जीने का साहस भी नहीं रहने देता। कभी कभी तो आत्महत्या भी लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और राहु देव को प्रसन्न करने के लिए लहसुन के तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को लहसुन दूर करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लहसुन के कुछ ऐसे प्रयोग आपको बताएंगे जिससे गरीबी, परेशानी, कष्ट, निर्धनता और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सके, क्योंकि हमारा मकसद है जन कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस ज्ञान को आपके समक्ष लाया जाए जिससे लोग परेशानी से मुक्त हो सके। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। लहसुन की गंध से जिस प्रकार से बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। जिस व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, उस व्यक्ति कंगाल बन जाती है, धंधा रोजगार छूट जाता है और बदहाल जीवन हो जाता है। इससे बचने के लिए शनिवार के दिन लहसुन की एक कली छीलकर अपने पर्स में रख दे। इससे कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी। इसमें न तो कोई तंत्र की जरूरत है न तो मंत्र की।
पैसे तो खूब आते हैं, लेकिन यदि घर में पैसा टिकता न हो तो शनिवार के दिन लाल कपड़े में लहसुन की 3 कलियों को बांधकर पर्स में या अपनी तिजोरी में रख दे। दोस्तों, लहसुन के इस टोटके को अजमाने से पैसों की किल्लत दूर होती है। दूसरा प्रयोग है, लाल रंग के कपड़े में लहसुन की 2 कलियों को बांधकर पोटली बनाए और अपने घर के परिसर में जमीन के नीचे दबाकर रख दे। इस प्रयोग को करने के तुरंत बाद शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव के दर्शन करें। अगर व्यापार में परेशानी आ रही है तो इसके लिए शनिवार के दिन दुकान या फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर 5 लहसुन की कलियों को लाल कपड़े में बांधकर लटका दे। इस प्रयोग को करने से व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होती है। अगर घर में बच्चे बार बार बीमार हो रहे हो तो 7 लहसुन की कलियां ले उनके शरीर से उतारकर 5 काली मिर्च के साथ जला दे। इस टोटके से बच्चों का नज़र दोष दूर होता है, साथ ही बीमारी जल्द ही दूर हो जाती है। ये प्रयोग बिल्कुल मुफ्त है, इसमें न तो कोई पैसा लगता है न तो कोई इसमें तंत्र मंत्र करना है। बस ये प्रयोग को करें और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। दोस्तों, लहसुन के ये नुस्खे आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएंगे और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी तो घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आय के नए नए रास्ते खुलेंगे, पैसों की बारिश होगी और सफलता आपके कदम चूमेगी।